दरोगा के घर पुताई करते गिरा मजदूर मौत। बरेली थाना सुभाष नगर की बीडीए कॉलोनी में रामवीर दरोगा के घर पुताई करते समय 30 वर्षीय विनोद की गिरने से मौत हो गई। मृतक विनोद के पिता गैदन लाल ने बताया, विनोद थाना कटरा गांव घुडिया निवासी है और बरेली में विनोद रामवीर दरोगा के घर पुताई का काम कर रहा था। रामवीर सीढ़ी को पकड़े हुए थे, उसी समय रामवीर का फोन आ गया। रामवीर सीढ़ी छोड़कर चले गए, सीढ़ी फिसल गई, विनोद ऊपर से गिर गया। विनोद को साथ में काम कर रहे मजदूर और रामवीर ने विनोद एज निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में रामवीर अस्पताल विनोद को छोड़कर चले गए। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते हैं, परिवार में कोहराम मच गया। परिवार बाले थाना सुभाष नगर गए रिपोर्ट लिखवाने, तो दरोगा ने डांटकर भगा दिया क्योंकि रामवीर दरोगा ने मना कर दिया था। थाने में रिपोर्ट लिखने से काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। विनोद के की पत्नी देवकी और दो लड़की एक लड़का छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया। मेरा नाम वीरपाल है। अच्छा, साथ में काम कर रहे थे? साथ में काम कर रहे थे उसी कोठी में। अच्छा, बताओ क्या हुआ? ऐसा था, वे काम कर रहे थे, मालिक पकड़ा था सीढ़ी, सीढ़ी पकड़ा था तो मालिक का फोन आया। फोन आने के बाद में वो नीचे चला गया। नीचे के जाने के बाद में वो नीचे सीढ़ी पे पहुंच पाया तो लो वो गिर गया नीचे सीढ़ी से। हाँ, फिर उसे उठा के ले गए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर उसके नंबर लगाया इनके घर वालों के सारे के। फिर उसका फोन देखने के लिए वो मालिक गया, अस्पताल वाला दवाई नहीं दे रहा। मैंने कि दवाई तो दो, पैसे तो आ जाएंगे, मालिक आ रहा होगा। तो उसने मेरा नाम नंबर लिखवा दिया उसमें। फिर बस इतना ही था। तो क्या हुआ उनका? वो तो विनोद के साथ खत्म हो गए। किनके? विनोद। फिर क्या हुआ उसके बाद? विनोद के संग क्या हुआ फिर? तो बस चील घर में ले आए। फिर खत्म हुए ना? हाँ, खत्म हो गए। फिर वो खत्म हो गए उसी टाइम? खत्म हुए थे? नहीं, रात में खत्म हुए थे। दवा चलती रही, उन्होंने भी पैसे दिए थे मालिक ने। अब ये चाह रहे हैं उनका क्लेम बन जाए, उन्हें कुछ मिल जाए, उसके बच्चों को मिल जाए। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं उनके। आपके कौन है? रुद्रमान है। बताओ। हम स्वास्थ्य थाने गए थे रिपोर्ट करने के लिए। दरोगा ने मोबाइल फेंक दिया, बोले यहाँ पे धर्मशाला है, तो यहाँ आ जाती हो तुम, यहाँ पे कमाई नहीं खा रही हो आदमी की। है जब गरीब आदमी है तो दो पैसा कमाएगा तभी तो बाल बच्चे का पेट भरेगा। है तो वहाँ पे उसने पेट भर दिया वहाँ पे चौकी में, और क्या कहते हैं वहाँ पे ले गया था स्वासंगा थाने में। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हम लोगों ने गाड़ी फकरी दे के भगा दिया। अब हम कुछ नहीं जानते, हमारे बच्चों का भविष्य सही हो जाए, बच्चों का हमारा पेट पल जाए। गरीब आदमी है। दरोगा ने भगाया का चौकी वाला था? दरोगा नहीं, थाने में से भगाया। हाँ, हाँ, गेंदन लाल। हाँ, तो रामवीर के यहाँ पुताई करते थे और वो सीढ़ी पकड़े है, और सीढ़ी पकड़ने में उनको नंबर वाले फोन आएगा तो उनने छोड़ दिया, उसके बाद में गिर गया वाला। क्या हुआ फिर? कहा उनने उठाओ, उनने अस्पताल में भर्ती कर दो आए और फिर भाग गए। फिर कहा फिर आया ही ना। हाँ, लड़का फिर खत्म हुई गो। हाँ, वो खत्म तो हुई गो, लेकिन इलाज चला उतरे डॉक्टर साहब। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? अब आप हम आपका हम कहा चाहते हैं? अब जो हमारे बच्चा है बस इनको ध्यान हो, जो बच्चा है हमारे उनको ध्यान होना चाहिए। अब अच्छा बताओ बालक फिर क्या खाएंगे? देव की क्या हुआ? कोई बात जो जानकारी मिली बताओ। जब फोन आया तभी हम भाग गए, तभी देखा जाएगा उन हॉस्पिटल में तो भर्ती है। तभी चोट के मारे मुझे चक्कर आने लेकर, तभी फोन करा तो है ही नहीं, तो वह पेंटर वाला नंबर हो उसी को नंबर दिया था पुलिस वाले ने, ये कि वो पकड़ के लेके आया। तभी बात कराई तो वो उसने घर बताया, तो वह पुलिस वाले रिपोर्ट लिखवाई तो वो रिपोर्ट फेंक मोबाइल फेंक दिया। पुलिस वाले दरोगा ने चौकी में बोला हम नहीं क्या करेंगे, पैसे मांग रहे हो खाने के लिए, तुम्हारा आदमी काम करने गया तब मजदूरी पे गया तो पैसे गया है। तो कैसे खत्म हो गए? तो जैसे काम हमने जैसे हमारा आदमी सही हो जाए, हमें खर्चा नहीं चाहिए।